आशीर्वाद रहा तो जरूर हम वार्ड परिषद 25 में कुछ अच्छा विकास करेंगे और मतलब पूरे पूरे नगर परिषद में जो है हम वार्ड नंबर 25 को जो है आदर्श वार्ड बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज बिहार। महुआ नगर परिषद चुनाव को लेकर जारी नामांकन का सिलसिला जो है थम गया है। अब प्रत्याशी जो है डायरेक्ट क्षेत्र में डटे हुए हैं, भरोसा भी दिला रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो हमें जो है क्षेत्र का चौमुखी विकास करेंगे। इसी कड़ी में आज महुआ नगर परिषद वार्ड 25 से प्रत्याशी तनवीर आलम जी से खास बातचीत हो रही है। तनवीर जी, सबसे पहले फर्स्ट न्यूज बिहार में आपका स्वागत है और आप युवा पीढ़ी से आते हैं और वार्ड संख्या 25 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा तो सबसे पहले मेरा विकास कराएगा, जिसमें कि मेरे वार्ड नंबर 25 में जो है आज तक मतलब कि कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, दूसरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, तीसरा मतलब नाली नहीं है और तीसरा इसमें करप्शन, चौथा जो है इसमें करप्शन। करप्शन के मामले में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें मतलब जनता से जो है 20,000, 30,000, 40,000 रुपये तक के लिया जाता है। यही सब मेरा विकास का मुद्दा रहेगा कि करप्शन को खत्म किया जाए और विकास के करीब में मतलब कि जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, आपका नाली हो गया, ये सब जो है दिया जाए। तो ये जो आप बताएं कि मेरे वार्ड में सरकारी विद्यालय नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, अगर जनता मौका देती है तो क्या ये आप पूरा करेंगे? ये बिल्कुल हम पूरे वार्ड नंबर 25 के जनता से वादा कर रहे हैं कि ये मतलब कि ये जो कमी है इसको जरूर पूरा किया जाएगा। युवाओं से क्या अपेक्षाएं हैं चुनाव में आपको? युवाओं का मतलब ये होना चाहिए कि एक युवाओं का मतलब टोली हमारे साथ है जो मतलब कि स्व विकास पूरे चारों स्तर से विकास करने के लिए हमारे साथ है, सब युवा पीढ़ी और इसके साथ बुजुर्ग भी हमारे साथ है, महिलाएं भी हमारे साथ है, मतलब हर तबके के लोगों का मतलब जन समर्थन हमारे साथ है। जो चुनाव हो रहा है इसके पहले आप क्षेत्र भ्रमण किए थे? जी बिल्कुल किया, पूरे मतलब वार्ड नंबर 25 का हर घर हर गली में मतलब हर मतलब तबके से, हर बुजुर्ग से, औरत से, युवाओं से, हर लोगों से मुलाकात हुई है। कितने दिनों से आपकी तैयारी चल रही थी चुनाव लड़ने? ये पिछले छः सात महीनों से तैयारी चल रही थी चुनाव में और अभी हम वार्ड नंबर 25 में नॉमिनेशन दे के मतलब दे चुके हैं जा रहा है और इसमें जनता जनार्दन मालिक है। अगर उन लोगों का आशीर्वाद रहा तो जरूर हम वार्ड परिषद 25 में कुछ अच्छा विकास करेंगे और मतलब पूरे पूरे नगर परिषद में जो है हम वार्ड नंबर 25 को जो है आदर्श वार्ड बनाएंगे। आलम जी, इनका कहना है कि मेरे वार्ड में एक भी जो है सरकारी विद्यालय नहीं है, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और इन्हें पूरा विश्वास है कि जनता मुझे मौका देगी और जैसी मुझे मौका मिलती है मैं पार्षद बनता हूं तो मैं अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास करूंगा। और बहुत बड़ी सी बात इन्होंने बता दी कि मैं अपने वार्ड को जो है आदर्श वार्ड